शालीमार गार्डन के लिए इधर से, शालीमार गार्डन के लिए इधर से रास्ता बस अब 2.7 किलोमीटर और है। एंड राइट नाउ मुगल गार्डन और हम मुगल गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये है मुगल गार्डन की एंट्री गेट। एंड दिस इज ए फुल एंटायर व्यू ऑफ मुगल गार्डन, शालीमार बाग मुगल गार्डन। This is entire view. और अब हम मुगल गार्डन अंदर देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और ये जरूर है कि पहले आप ये देखिए कितना अच्छा फाउंटेन्स है, बड़े अच्छे अच्छे मन तो कर रहा ठंडे ठंडे पानी में जाके नहा ले आदमी। और कितना नहाए, सुबह सुबह होटल से नहा के निकल गए थे। कुछ लोग टूर से आए हुए हैं जो अपना फोटोज अपन निकल जाएंगे ना। जा रहे हैं हम तीन, दो दोस्त इधर हैं और तीसरा किधर है, तीसरा उधर है। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको, रुकिए। ऐसे इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता है बट मैं आपको दिखाता हूँ जरूर। अगर किसी को इसकी मीनिंग पता हो तो प्लीज फुल फॉर्म बताना। ये देखो मुगल गार्डन देखने बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो कुछ लोग बेवकूफी कितनी बड़ी करते हैं, देखो अननेसेसरी। अरे घर जाके नहा ले भाई, घर में पानी नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बनता भी है कि नहाने से कोशिश कर रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है आजकल। यहाँ पे देखो आप कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ दिख रहे हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया आप वो देखो पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है। अगर उस पेड़ के
वर्ड का किसी को मतलब पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ईद का त्यौहार चल रहा है तो लोग ईद मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नहा रहे हैं। यहीं से आपको एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ। बाकी चलते जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पता है, हाँ यहाँ पे इतने सारे मौसम इतना प्यारा है जिसकी वजह से यहाँ पे वाटरफॉल्स, पेड़ इतने अच्छे अच्छे, तो ये सारी चीज़ बनती रहती है। ये यहाँ ये भी एक छोटा सा थोड़ा गंदा सा फाउंटेन है। अब एक काम क्यों नहीं करते हम, पहले हम आगे जाएंगे फिर हम वापस आएंगे, तब हम थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे क्योंकि हम लोग खाना नहीं लेके आए पार्क में खाने के लिए। यहाँ पे तो चिप्स विप्स सब बाहर ही मना कर दिया जाता है। देखिए आप, एक और छोटा सा गेट है, उसके बाद से ये है व्यू यहाँ का। ये श्रीनगर का बहुत अच्छा शालीमार गार्डन के नाम से फेमस है, जिसे आज हमने और आज हमने तीन गार्डन देखे हैं, शालीमार गार्डन, परी महल और चश्मे शाही। ये तीन आज चीजें हमने देखी। ये तीन चीजें देख के हमें ये चीज रियलाइज होती है, हाँ यार कुछ बात तो है श्रीनगर में। इस टाइम पे ये पानी एकदम ठंडा होगा, छू के देंगे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है। वहां पे गेम खिला रहे हैं, वो होता है ना पैसे धोखा दे के पैसे से गेम खिलाने वाला, तो वहां पे खिला रहे हैं। अभी हम वो देखते हैं फिर। ये देखो यहाँ पे वो गेम खिला रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनके पैसे बच्चों को उधर गेम खिला के पैसे उनसे ऐठ रहे थे। अभी देखिएगा आप गेम की वीडियो में, इसमें जरूर डालूंगा। वो गेम एक तरह का ये है कि डाइस है, छह ऑप्शंस है, तो उन ऑप्शन से हमें आप पैसे रखिए, जो जो डाइस में वर्ड निकलेगा रेस्ट ऑफ द मनी उस बंदे की, और अगर किसी ऑप्शन में अगर वो पैसा नहीं रखा गया है तो अगर वो वर्ड आ जाता है तो वो सारे पैसे जो बंदा गेम खिला रहा है उसके हो जाते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग अब निकल जाएंगे अपने कार के पास, फिर उसके बाद से हम लोग करेंगे लंच एंड देयर आफ्टर। पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ अपना सामान जो है वो होटल में ही रख के आज श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे, बट फिर हम थोड़ा सा लेट हो गए निकलने में, जैसे एज यूजुअल ब्रेकफास्ट और वो
लेट हो गए, तो फिर हमने सोचा कि चलो यार ऐसा करते हैं सामान लेके चलते हैं, अगर लेट हो गए तो वहीं से वहीं हम अपना सोनमर्ग निकल जाएंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं शालीमार गार्डन पे। शालीमार गार्डन पहुंचने के बाद है बहुत बड़ा ये शालीमार गार्डन, अब बस थोड़ी देर के बाद हम निकल जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं, रात को ड्राइव मारी थी मुगल गार्डन से एग्जिट करने, और जाएंगे थोड़ी देर लंच करके, फिर उसके बाद से हम लोग आगे निकलेंगे। जा रहे हैं, ये ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये लोग, और ये शालीमार गार्डन का एग्जिट व्यू है। रास्ता 75 किलोमीटर दिखा रहा था यहाँ से।